बस आज हम बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म शेयर के बारे में। अगर आप देखें स्टॉक में हमें एक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला। आज अगर हम मार्केट की हालत देखें उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, बट फिर भी स्टॉक में एक अच्छा खासा अभी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखें स्टॉक में जो 796 का जो पॉइंट है, यहाँ पर आप देखें कंसोलिडेशन यहीं पर बना था, स्टॉक एक अपसाइड ट्रेंड दिखा था, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और डाउन साइड ट्रेंड भी हमें यहीं से देखने को मिला था। सो जब तक ये स्टॉक 796.70 के ऊपर है तब तक एक स्टॉक में हमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके टारगेट रहेंगे 821.90 रुपीज़ का। बट अगर ये स्टॉक 796.70 रुपीज़ को ब्रेक करता है इन द डाउन साइड, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है जो कि इस लाइन को टच ना करती हो, तो हमें स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, जो कि सेम टू सेम इस जैसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर स्टॉक में देखते हैं, अगर आपने एक शॉर्ट टर्म नज़रिया से स्टॉक को बनाया है, तो स्टॉक में ये लेवल आपके लिए रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है कल के दिन, तो हमें गिरावट भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। बट अगर स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म नज़रिए की बात करें, तो मैं ऑलवेज इस स्टॉक में बुलिश रहा हूँ। आपने देखा होगा पहले भी ये कई टाइम गिरा है, गिरने पर जिसने भी इसको खरीदा है सो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट इन द अपकमिंग टाइम देखने को मिल जाता है। सो स्टॉक में मेरी वही लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 796.70 रुपीज़ को जिस दिन ये भी अभी अगर ब्रेक करता है कल या परसों के दिन, तो हमें इसमें रेड कैंडल का वेट करना है 1 आवर चार्ट फ्रेम पर इन द डाउन साइड, तो एक गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। फॉल्स ब्रेकआउट ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो कहीं ना कहीं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब टू माई चैनल।